हेलो गाइस, मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। आज का एपिसोड मैंने देखा, आज के एपिसोड में था स्कूल टास्क। और बहुत सारे सीजन देखे मैंने हिंदी बिग बॉस के, मराठी बिग बॉस के भी दो सीजन देखे मैंने, लेकिन इस तरीके का वर्स्ट स्कूल टास्क मैंने अभी तक नहीं देखा। ये बहुत ही खराब था, इसमें कोई भी मजा नहीं था। हर कोई वहां पर सिर्फ एप्पल के पीछे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पर ये कहीं पर भी नहीं देखा कि यार जो स्टूडेंट्स है वो क्लास का मजा ले रहे हैं, टीचर्स की खिंचाई कर रहे हैं, इसमें टीचर्स की खिंचाई हो रही है। और ये जो सेशंस थे बिग बॉस के, ये बहुत ही कम लगे मुझे और कुछ भी मजा नहीं लगा। मतलब टीचर्स के और से भी कोई मजा नहीं लगा और जो स्टूडेंट्स थे वो भी बंक कर रहे थे क्लास। यार मतलब बहुत ही घटिया था ये स्कूल टास्क। इसमें कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं थी और कुछ भी अच्छा नहीं था। बस मुझे एप्पल चाहिए और बस मुझे इनकी जो स्कूटर है वो खराब करनी है, यही कुछ दिख रहा था ये जो स्कूल टास्क था इसमें। तो इसमें कोई अच्छे से रूल बनाना चाहिए था बिग बॉस ने, जहां पर कहीं ना कहीं बिग बॉस की कमी रह गई है। और अगर प्रोमो की अगर बात की जाए तो वहां पर फिर एक बार हिंदुस्तानी भाव और विशाल एक दूसरे के साथ भिड़े हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पहले दिन से जब विशाल की एंट्री हुई थी तब विशाल ने कहा था कि मैं आपके सारे जो पत्ते हैं वो खोल दूंगा, इस तरीके से कुछ बात की थी। और इस पर हिंदुस्तानी भाव भड़क उठे थे, वो चौंक गए थे कि इसने आकर नया हुआ ये अंदर आया है और इसने मेरे बारे में ऐसे बात कैसे की। और जहां पर अब प्रोमो में हमने देखा कि वो खाना खा रहे और जहां पर प्रोटेक्ट कर रहे अपना एप्पल विशाल, और इन दोनों के बीच में वहां पर फिर एक बार भिड़ंत होती है जहां पर हिंदुस्तानी भाव कहते हैं कि तू ऐसे उंगली करके बात मत कर, ठोकने की बात मत कर, अगर मैं घर से बाहर होता तो मैं तुझे दिखा देता या तुझे समझता कि मैं कौन हूं। और वहां पर दूसरी तरफ विशाल ये कह रहे हैं उनको कि आपके रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मेरी भी रगों में वही खून दौड़ रहा है, अगर बाहर जाने की बात करें तो बाहर जाके आप जो है वो दिखा देना। इस तरीके की इनमें दोनों में भी भिड़त वहां पर फिर एक बार दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में इन दोनों का वहां पे जो गुस्सा होगा, इन दोनों के बीच में जो दूरियां आई है ये और भी बढ़ने लगेगी और इसका झगड़े बड़े झगड़े में वहां पर रूपांतर हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप किसे सपोर्ट करोगे, विशाल को या फिर हिंदुस्तानी भाव को, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इसके अलावा अब होगा घर का नया कैप्टन, जैसे ही कोई कैप्टन बनेगा तो मेरे पास न्यूज आएगी, जैसे मेरे पास न्यूज आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इसके लिए जल्द से जल्द एक्ट राइडर्स को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।